समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद फरुखाबाद में हैं। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, यह फरुखाबाद जनपद का एक मंडी स्थल है, उप मंडी स्थल शमशाबाद है जो कि यहाँ कार्यालय। यहाँ एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है जो चोरी की घटना है। मंडी के अंदर से रात में चोर आए और लगभग 17 पैकेट बोरी जो है चुरा कर ले गए और यहाँ के गार्ड सोते रहे। ये बहुत बड़ी यहाँ नाकामयाबी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ 10 कदम की दूरी पर ही थाना भी है, जहाँ पुलिस कोतवाल से लेकर तमाम सिपाही भी रहते हैं और उनकी देख रेख में ही उन्हीं के क्षेत्र में ये सब पड़ता है। 10 कदम ज्यादा ज्यादा दूरी होगी और उसके बाद में जो है यहाँ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हम यहाँ के फर्म के मालिक से भी बात करेंगे कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और कितना नुकसान हुआ और क्या क्या वजह रही, इन सब की जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ के फर्म के मालिक से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर जो बोरियां लगी हुई हैं ये मंडी में, ये धान की बोरियां हैं और ऊपर जो लगी हुई हैं, ऊपर की लाइन में आप देख सकते हैं, वो सारी मक्के की बोरियां हैं। और जो चोर आए थे यहाँ पर, जो कि अंदाजा लगाया जा रहा है, इस तरफ से आए थे और यहाँ से ये लगभग 17 बोरियों की जो है चोरी की गई है। एक एक करके पूरी 17 बोरियां यहाँ के जो हमने जो फर्म देखते हैं यहाँ पर, उनके मालिक के बेटे से बात करने की कोशिश की है, वही यहाँ पर सब कारोबार देखते हैं। उन्होंने बताया कि एक एक करके इधर से 17 बोरियां इधर से निकाली गई है। ये देखिए घटना स्थल पर कुछ मक्का फैली भी हुई है जो इधर से निकल के गई है पूरी तरीके से। और हम यहाँ के गार्ड से भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। ये बताइए, आप जब ये घटना हुई थी तब आप ड्यूटी पर थे? हम नहीं थे। कौन था? हुकुम सिंह। थोड़ा तेज बोलिए। हुकुम सिंह। अच्छा अच्छा, आपकी कब कब ड्यूटी होती है भाई साहब? 12 घंटे की होती है। आप ड्यूटी पर नहीं थे? अच्छा, ये बताइए आप लोग जैसे जब ड्यूटी करते हैं तो उसके क्या नियम है, क्या मतलब कहीं एक जगह बैठ के करने की ड्यूटी होती है या पूरे में वॉक करके बिल्कुल चेक है? ऐसा दिन को तो हम गेट पे बैठते हैं जी, और रात को घूमते हैं। रात को मतलब कोई ये भी होता है नियम कि जैसे आप लोग दो गार्ड ड्यूटी करते हो कि शिफ्ट में ड्यूटी? दो गार्ड है ही नहीं यहाँ पर, दो गार्ड तो एक ही है ना यहाँ पे। रात में एक ही गार्ड रहता एक ही है, एक ही दिन में एक ही रात में। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये क्या आपको क्या लगता है, जैसे आपकी कभी रात की भी ड्यूटी रहती होगी, कभी दिन की भी रहती होगी, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया होगा, कि कहाँ पे क्या लापरवाही बरती गई? एक बार क्या ये 3-4 बार हो चुका काम, कई बार चोरी हो चुकी है, कई बार हो चुकी है। तो क्या मतलब निष्कर्ष निकल के आया है कि किस तरीके से ये चोरी जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है? अंजाम क्या क्या बता सकते हैं इसके लिए? जो चोर करने वाला तो क्या बोलेगा, लिख के शुरू आता है कि हम चोरी करने के लिए आते हैं, क्योंकि इतनी बहुत ज्यादा बड़ी मंडी भी नहीं है, बहुत छोटी मंडी है। तो अगर यहाँ कोई भी हलचल होती है और 17 बोरी यानी कि 17 बार आदमी, समस्या है यहाँ की लाइट की व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था नहीं है यहाँ। यहाँ के गार्ड बता रहे हैं कि यहाँ की लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप सोच सकते हैं रात में अगर अंधेरा रहता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा डर की बात है कि जब अंधेरा होगा तो ये गार्ड भी लोग क्या कर सकते हैं, कोई अंधेरे में कोई दिखता नहीं है, इनके पास एक टार्च दी जाती है। यहाँ के प्रशासन की ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है, ये नगर पालिका का क्षेत्र पड़ता है और नगर पालिका को भी इस विषय पर सोचना चाहिए। क्या बता रहे हैं सर कुछ? हमने सचिव साहब को भी दिया है, रिटर्न में दिया है सचिव साहब को लाइट के बारे में, लाइट अभी तक सही नहीं हुई। हमें आश्वासन दिया जाता है कि हर बार सही हो जाएगी, आज सही हो जाएगी, कल। 2 साल से लाइटें सारी बंद है। आप देख सकते हैं भाई साहब बता रहे हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर, योगी जी आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, ये जमीनी हकीकत है यहाँ की कि यहाँ लाइट की व्यवस्था कितनी है। ये बता रहे हैं कि कई बार प्रशासन को लिखित में दे चुके हैं, इसके बावजूद भी लगभग 2 सालें होने जा रही है मंडी प्रशासन में लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर छिटपुट चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ये गार्ड लोग भी ड्यूटी करते हैं और इनकी भी जान है, अगर 4 आदमी यहाँ पर आ जाते हैं और अंधेरे में ये भी बेचारे क्या कर सकते हैं, इनकी भी कोई खास गलती नहीं है। और भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरफ से यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, किधर से बोरियां निकाली गई। यहाँ के जो मालिक हैं उन्होंने बताया है कि हम आपको और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप फर्म के मालिक हैं? नहीं, हम जो मेरे पापा की फर्म है बनवारी लाल अमर सिंह, और मालिक वही हैं, प्रोप्राइटर भी वही हैं अमर सिंह जी, और हम उनके पुत्र हैं जी। और इस समय हमको जब पता लगा है कि हमारा कोई कैंडिडेट पीछे गया टॉयलेट के लिए जी, तो उसने देखा कि इधर मक्का फैली पड़ी है, क्यों फैली पड़ी है, तो उसको देखा गया जी। जब देखा गया तो फिर अपनी गिनतियां भी की गई, क्यों मंडी में ज्यादा मक्का सबसे ज्यादा हमारे ही पास लगी हुई है इस समय। तो लगभग कितनी बोरियां चोरी हुई हैं? लगभग 17 से 18 बोरियां चोरी हुई हैं। आपको कब पता चला था ये सब? ये सब हमें जानकारी हुई है दोपहर में। दोपहर में जानकारी हुई है, तो आपने किसी भी पुलिस प्रशासन को सूचना दी या नहीं दी? जी अभी दे रहे हैं सूचना भी देंगे यहाँ भी, और मंडी सचिव को भी देंगे सूचना। और रात में जो यहाँ गार्ड रहते हैं, 2 गार्ड हैं, एक हैं सत्येंद्र जी और एक हैं हुकुम सिंह जी।
दोनों गार्ड अपना अपना ड्यूटी निभाते हैं 24 घंटे की। एक गार्ड ड्यूटी करता है दिन में भी रात में भी, तो रात के टाइम पता नहीं कल और मंडे को जो थी मंडी बंद रहती है, इस वजह से हम लोग मंडे को आते नहीं है यहाँ पर। आप देखिए ये भाई साहब हैं, ये जिनके यहाँ चोरी हुई है ये उसको संचालन करते हैं, ये उनके पुत्र जी हैं और ये साफ बता रहे हैं किस तरीके से कितनी घोर लापरवाही बरती गई है। यहाँ के गार्ड जो है सीधी सी बात है सोते रहे हैं और उन्होंने अपनी ड्यूटी में मुस्तैदी नहीं दिखाई है या और भी कोई वजह रही है, इसका निस्तारण यहाँ की पुलिस करेगी और इस मामले की खोजबीन करेगी। श्रीमान जी बता रहे हैं कि अभी इन्होंने पुलिस प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी है और सूचना देंगे, उसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद में अपडेट कराएंगे। हम और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपको घटने की जानकारी दी, कोई मौजूद है यहाँ पर? नीरज जी थे अभी, नीरज आ जाओ। नीरज जी इधर आ जाइए, इधर बताइए आपको कब जानकारी हुई, कैसे? अभी करीब 1.5 घंटे पहले मैं फोन पे बात करते करते उधर गया तो मैंने जब देखा उधर मक्का पड़ी हुई है जी, तो हमने सतीश जी को बुला के लाया, यार देखिए ये क्या मामला है, यहाँ पूरी मंडी में लगभग कितनी दुकानें हैं? यहाँ पे लगभग फ्रूट सहित है 11 दुकानें। अब आप देख सकते हैं कि मात्र 11 दुकानों की मंडी है, ज्यादा बड़ी मंडी नहीं है और उस मंडी के अंदर से एक एक करके लगभग 17 बोरियों की चोरी हुई है। एक बार में कोई बोरी नहीं उठ सकती है और हम आपको घटना स्थल पर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से कहां पर चोरी हुई है और किस तरीके से उन बोरियों को निकाला गया है। ये कोई छोटी घटना नहीं है और यहां के गार्ड सोते रहे, कहीं ना कहीं ये मिली भगत भी हो सकती है या क्या हो सकता है, ये यहां का निस्तारण यहां का पुलिस प्रशासन करेगा। यहां के स्थानीय नागरिक जिन्होंने देखा होगा इसका कब खुलासा होगा इसकी भी हम आपको जल्द अपडेट देंगे। हम आपको घटना स्थल पर भी लेकर चलेंगे कहां से कितनी बोरियां चोरी हुई। ये पूरा बाउंड्री पे तार लगाया गया है, कटीला तार, इधर से जो है चोर लोग जो आए हैं इधर से आते हुए, ये देखो बोरी यहाँ पर जो मक्का है फैली भी हुई है और यहाँ पर इन लोगों ने जो है ये तार काटा है और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। ये घटना स्थल पर एक प्लास भी मौजूद है, आप देखिए कैमरा में जरा पास आकर दिखाएंगे, ये यहाँ पर एक प्लास भी मिला हुआ है, इस प्लास से जो है तार काटने का काम किया गया, बिल्कुल नया प्लास है और आपको हम दिखाएंगे। कैमरामैन जी जरा दिखाइए, ये जो पूरा तार है पूरा बैरिकेटिंग लगाई गई है यहाँ पर जो मंडी की तरफ से, ये तार काट दिया गया है प्लास से और इधर से बोरियों को निकालने का प्रयास किया गया, इधर से बोरियां निकाली गई है। ये देखिए घटना स्थल पर मक्का पड़ी हुई है, इधर से उन 17 बोरियों की जो है चोरी की गई है और बताते हैं कि यहां से भी बोरी निकालने की कोशिश की गई थी। आप देखिए ये जो गेट है इसके नीचे से भी बोरी निकालने की कोशिश की गई थी, कैमरामैन जी जरा पास से आकर दिखाएंगे, यहाँ पर ये निशान बना हुआ है लेकिन यहाँ से सफलता नहीं मिली, यहाँ भी कुछ दाने पड़े हुए हैं मक्का के और यहाँ सफलता नहीं मिल पाई है जिसकी वजह से उधर से निकाली गई। हम यहाँ के सचिव से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही जिसकी वजह से यहाँ तक आज तक लगभग 2 साल से लाइट नहीं चालू हो पाई है और जिससे कि यहाँ पर ये चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया और कौन इसका जिम्मेदार है। हेलो जी भाई साहब, नमस्कार जी। नमस्कार, दिलीप जी बोल रहे हैं मंडी सचिव? हाँ बोल रहे हैं। राहुल अवस्थी पत्रकार बोल रहा हूँ भैया जी। नमस्कार जी। ये यहाँ पर हम आपका जो शमशाबाद जो क्षेत्र है, जो शमशाबाद उप मंडी है, ये आप ही का कार्य क्षेत्र है? हाँ है। इसमें जो है अभी हम आए थे, कोई चोरी हुई है मंडी में, लगभग 17 बोरियां जो है चोरी निकाली गई हैं और यहाँ के जो मंडी के जो कर्मचारी हैं वो बता रहे थे कि लाइट नहीं है मंडी में और आपको लगभग जो है आपके विभाग में 3-4 बार लेटर भी प्रेषित किए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लगभग 2 साल से लाइटें ही नहीं है मंडी में। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं हम घटना स्थल पर हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं। नहीं होंगे ये कह रहे हैं कि लाइट तो मतलब आ रही है, कहा गया है ना जी। अब चोरी की बात अगर इनका हुई है तब में एफआईआर होगी और कार्रवाई होगी? नहीं, एफआईआर कार्रवाई होगी, 2 साल से लाइट ही नहीं है मंडी में, क्यों नहीं? ऐसा नहीं है। यहाँ के जो आपके मंडी के कर्मचारी हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं और मैं कोई कर्मचारी नहीं, ऐसा नहीं है। 2 साल पहले तो कोरोना ही था भाई, ऐसा लाइट नहीं, 2 साल से लाइट ही भाई साहब नहीं है। और अच्छा आप बताइए कब से नहीं है? या ऐसा नहीं है, हार रही लाइट है, अभी कोई बीच में कोई बाबू वहाँ चला गया था इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और फिर लाइट आ गई। तो आपके संज्ञान में यहाँ कब से लाइट नहीं है? हेलो, हाँ हम ये कह रहे हैं आपके संज्ञान में कब से लाइट नहीं है? अगर यहाँ के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि 2 साल से लाइट नहीं है वो गलत है, तो आपके नॉलेज में कितने दिन से लाइट नहीं है? लाइट भी हमें बताया जाता तो हमने तुरंत कहा था कि सही करा दो, अभी तक यहाँ कोई लाइट नहीं सही है और लाइट बंद है, ये कब तक सही हो जाएगी? बस 2-3 दिन में सही करा लेंगे। चलो ठीक है, इसको 2-3 दिन में भाई साहब सही करवा देना, मैं एक्चुअली आपकी बात ऑन रिकॉर्ड हो रही है और एक हम खबर के लिए कर रहे हैं।
ठीक करा देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, 3 दिन में करा देना। और ये कहीं ना कहीं लाइट की ही वजह से ये चोरियां आए दिन 3-4 बार यहाँ मंडी में चोरी हो चुकी है। इसको जरा जिम्मेदारी से भाई साहब देखिए, जिम्मेदारी से आप लोग काम नहीं करते हैं, इसीलिए सब ये घटनाएं होती हैं। नहीं नहीं बिल्कुल करा देंगे। हाँ ठीक है।